हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपको इंग्लिश का पैराग्राफ सेकंड पढ़ाया जाएगा। ए गर्ल विद बास्केट, टोकरी वाली छोकरी जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। तो हम आपको सेकंड पैराग्राफ पढ़ाते हैं, देखिए क्या होता है आगे पैराग्राफ में। चुपराती चुकरा मत। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल एरिया। द रूट ले थ्रू, द रूट माने रास्ता, ले थ्रू जाता था, वन ऑफ द रिचेस्ट सबसे, वन ऑफ द रिचेस्ट माने सबसे, रिचेस्ट माने विकसित, यहां पे रिचेस्ट माने धनी नहीं विकसित, उपजाऊ ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के सबसे कृषि प्रधान क्षेत्रों से। और भारत के सबसे कृषि प्रधान जो क्षेत्र है, जो कृषि जहां पे खेती ज्यादा होती है, उस एरिया से होते हुए वह रास्ता जाता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिस वॉज द प्लेन, यह था, द प्लेन माने समतल मैदान, ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा रिवर के ऊपरी, यह गंगा रिवर जो है गंगा नदी का ऊपरी क्या था, समतल मैदान था। अ थाउजेंड फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। अ थाउजेंड फीट, अ थाउजेंड फीट माने हजारों फीट की ऊंचाई पर, एबब माने ऊंचाई पर, ऊपर कहां से, सी लेवल माने समुद्र का जो स्तर था, समुद्र से हजार फीट की ऊंचाई पर था ये क्षेत्र। और क्या था, बट ट्रॉपिकल लेकिन गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा हल्की मटमैली थी, ब्राउन सिल्ट माने हल्की मटमैली, स्वेलन विथ फ्लड वाटर्स, स्वेलन स्वेलन विथ फ्लड वाटर्स, फ्लड वाटर्स माने बाढ़ के पानी से, स्वेलन माने उफन रही थी, या बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इट्स ओवरफ्लो, जो पानी, जो बाढ़ के पानी का ओवरफ्लो था, बहाव था, इनंडेटिंग जलमग्न किए हुए था, भिगाए हुए था, थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ धान के खेत को, जो बाढ़ का पानी था उससे हजारों एकड़ धान के खेत जलमग्न हो गए थे। बेहतरीन तरीके समझ में आ रहा होगा भैया। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, टू द नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तर की तरफ, टू द नॉर्थ माने उत्तर की तरफ, वेयर जंगल्स, जंगल थे। अब वे जंगल कैसे थे उसका वर्णन किया जा रहा है। ग्रेट एक्सपांसेस, ग्रेट माने काफी ज्यादा, अब महान नहीं कहोगे, बहुत ज्यादा, एक्सपांसेस विस्तारित थे। ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन सेड, वे किससे विस्तारित थे, वो घास के मैदान से विस्तारित, मतलब जंगल में हर जगह घास ही घास था, और वो घास कैसा था, हायर देन अ मैन सेड, हायर माने ऊंचा, ये कौन सी डिग्री है, हाई, हायर, हाईएस्ट, ये कंपेरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव, दो लोगों के बीच कंपैरिजन करने का कार्य कंपैरेटिव डिग्री करता है, और सबसे जब सिद्ध किया जाता है सबसे अच्छा तो सुपरलेटिव और नहीं तो पॉजिटिव डिग्री यूज किया था, हाई, हायर, हाईएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो वैसे ही कंपैरेटिव डिग्री मतलब यहाँ पे मनुष्य के सिर और घास के विस्तार में तुलना की जा रही है, घास की ऊंचाई में तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सी डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक, जरा बीच बीच में हम बेसिक ग्रामर पे भी आते रहेंगे, ठीक है ना। तो ग्रास हायर देन ए मैन सेड, जो घास था वह मनुष्य के सिर से भी ऊंचा था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ऑकेजनल क्लंप ऑफ ट्रीज, अनब्रोकन, और क्या था, अनब्रोकन एक्सेप्ट ऑफ फॉर एन ऑकेजनल क्लंप ऑफ ट्रीज, ऑकेजनल क्लंप ऑफ ट्रीज माने पेड़ों की झुरमुट, पेड़ों का समूह, और जंगल में क्या थे, कभी न टूटने वाले, अनब्रोकन माने अटूट, कभी न टूटने वाले पेड़ों के झुरमुट थे, पेड़ों की कतारें थी। द होम ऑफ टाइगर्स,
जो चिताओं के घर थे, एलिफेंट, हाथियों, पाइथन्स, माने आपका हो गया अजगर एंड कोबराज, मतलब जो टाइगर का घर था, एलिफेंट का घर था, पाइथन का घर था और कोबरा का घर था, वो इन्हीं जंगलों में था। और क्या था, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू दी होरिजन, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट, हर जगह देयर वाज फ्लैट, एकदम समतल मैदान था। ये सब भौकाल कौन टाइट कर रहा है, ये सब टाइट कर रहे हैं विलियम सी डगलस, ये सब अपनी यात्रा के समय का ये वर्णन कर रहे हैं विलियम सी डगलस। मजा तो तीसरे पैरा में आएगा ना, अभी तो ये भौकाल चाप रहे हैं अपना, तो अभी हम चापेंगे अपने हिसाब से इनको। तो एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट, हर जगह समतल मैदान था। रनिंग टू दी होरिजन, जो कहां तक था, ये जो समतल मैदान था, जैसे लग रहा था कि ये पूरा क्षितिज तक है। क्षितिज क्या होता है, जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दें, उस स्थल को कहते हैं क्षितिज। तो ये जो मैदान था, समतल मैदान, ये पूरा क्षितिज तक लग रहा था, जैसे बहुत दूर तक लग रहा हो, तो इसलिए इसको होरिजन लिख दिया गया है। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेट बनियान ट्री, बाय रोज ऑफ पाकर ट्री, हियर एंड देयर का मतलब इधर और उधर, यहां वहां क्या थे, द सेक्रेट बनियान ट्री, जो पवित्र बरगद के पेड़ है वो थे, और क्या थे, बाय रोज ऑफ पाकर ट्री, और पाकड़ वृक्ष जो होता है वो थे, कहां पे, जंगलों में थे। सेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैव थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, सेप्ड लाइक एल्म, जो कि कैसे लग रहे थे, सेप्ड, सेप्ड माने जिनकी आकृति, लग रहे थे लाइक एल्म, एल्म एक प्रकार का जंगली वृक्ष होता है, ये बनियान ट्री और जो आपका पाकड़ ट्री है, ये ऐसे लग रहे थे कतार में, जैसे मानो एल्म का पेड़ हो, जैसे एल्म वृक्ष की आकृति होती है वैसे ये लग रहे थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनके जो तने थे, ये जो रोप पाकड़ ट्री है, जो आपके कौन से बरगद के पेड़ है, इनके जो तने थे, ट्रंक माने तना, थिक ट्विस्टेड, मोटे और घुमावदार थे, ट्विस्टेड माने घुमावदार थे, ठीक, इतना तक तो समझ में आ ही रहा होगा। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, हॉट, हॉट माने गर्म, ह्यूमिड माने आद्र, एयर माने हवा, जो गर्म आद्र हवा थी, वाज मूविंग, किस टेंस का वाक्य भैया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, वाज मूविंग, चल रही थी, कहां से, इन फ्रॉम, चल रही थी कहां से, द साउथ वेस्ट, साउथ माने दक्षिण से वेस्ट की तरफ, माने पश्चिम की तरफ। वेक्टर एनालिसिस पे बात कर ली जाए दो मिनट, जैसे आप लोग वेक्टर पढ़ते हैं फिजिक्स या मैथ, जब मैं पढ़ाता हूं आपको, तो जैसे डायरेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है ना, तो वैसे भी यहाँ पे डायरेक्शन दिखा जा रहा है, जो हवा थी वह साउथ से वेस्ट की तरफ चल रही है, ठीक, चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लाइंगिंग टू डोन देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, मंकीज, बंदरिया, बंदर, सम ऑफ देम, उसमें से कुछ मदर्स, जो मादाएं थी, जो माता थी, देखते हो पुरुष और नारी दो होते हैं, पुरुष में क्या क्वालिटी है कि पुरुष पुरुष कहलाता है, माता में क्या क्वालिटी है कि माता माता कहलाती है, पुरुष कभी बच्चा पैदा नहीं करता, माता बच्चाएं बच्चों को जन्म देती हैं, वैसे ही मंकी में होता है, नर बंदर और मादा बंदर, नर क्या होता है, जो नहीं जन्म देता है बच्चों को, और मादा बंदरियां क्या होती है, जन्म देती है। तो ये आयो बायो की भाषा थोड़ा सा हम नहीं जाएंगे आपको, तो सम ऑफ देम मदर्स, सम ऑफ देम मदर्स, उन बंदरों में कुछ माताएं थी अर्थात बंदरियां थी, विथ बेबी, तो देखिए क्या था, सम ऑफ देम मदर्स, उसमें से कुछ मादा थी अर्थात बंदरियां थी, जो क्या हुई थी, विथ बेबीज, जो अपने बच्चों के साथ थी, उन मादा बंदरियां के साथ उनके शिशु भी थे, बच्चे भी थे, और वे बच्चे कहां थे, क्लाइंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, जो उसको अपने पेट से चिपकाए हुए थी और पेड़ों पर चढ़ रही थी। अब देखिए, स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, जो क्या कर रही थी, जो अपने बच्चों को अपने पेट से चिपकाए हुई थी, पेड़ पर चढ़े हुए थी, स्वंग ऑफ ट्रीज, स्वंग ऑफ माने कूद रही थी,
आप ट्रीज माने पेड़ से एट द स्टेशन, स्टेशन पर किसके लिए कूद रही थी? लुकिंग फॉर फूड, हूरने के लिए, हूरने के लिए माने भोजन के लिए, हूरने के लिए अपनी भाषा में लगे पढ़ाने तो आप लोग आनंदित ना हो, भोजन के लिए ये लोग क्या कर रहे थे? कूद रहे थे पेड़ से। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर। द विलेजेस जिन गांवों से वी पास्ड, पास्ड माने गुजरे, हैड वॉल मेड ऑफ मड, उनकी दीवारें बनी हुई थी मड माने मिट्टी की, मिक्स्ड विद वाटर जल से, एंड काउ डंग और गाय के गोबर से बनी हुई थी, मतलब मिट्टी गाय का गोबर और पानी को मेझर के पंचमेल खिचड़ी कर दी, सतमेझरा ये बना हुआ था, उसी से घर का जो लिपाई उपाई होता है दीवार जो बना हुआ था गांव का। देयर पिक्ड रूफ्स वेयर थर्स्ट बंडल्स ऑफ ग्रास ट्राइड टू बम्बो पोल स्ट्रेच अक्रॉस द रैप्टर्स। देयर पिक्ड रूफ्स और जो छते थी गांव की, पिक्ड माने नुकीली छते थी, रूफ्स माने छत, वेयर थर्स्ट छाई गई थी, उन पर छप्पर था, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइप टू बम्बो पोल, किसका छप्पर था? छाई गई थी घासों से और बांस की बल्लियों से, स्ट्रेच अक्रॉस द राप्टर्स, राप्टर्स माने बांस की बल्लियां, जो बांस की बल्लियां और घास था उससे वो उनकी छतें छाई गई थी। आप लोग ऐसा देखे होंगे, आप लोग तो गांव देहात में रहते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि शहर में होंगे, कुछ लोग शहर के भी होंगे, तो गांव के जो बच्चे हैं वो तो देखते ही होंगे, ठीक, तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा। दैट डे उन दिनों द पंपकिन वाइंस दैट ग्रू ओवर देम वेयर इन ब्लूम, क्या होती थी उन दिनों जो पंपकिन माने कद्दू जिसको आप लोग लौकी कहते हैं, उसकी जो लताएं थी उन्हीं दीवारों पर उन्हीं छतों पे क्या होती थी? बढ़ती थी, बढ़ती थी, बढ़ के कैसी लगती थी? ब्लूम, फूलों से लदी हुई लगती थी, वो बढ़ती थी और फूलों से लदी हुई लगती थी, कहाँ? उन छतों पे या दीवारों पे, जब वो बढ़ती थी फूलों से लदी हुई लगती थी तो मानो ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, उस भद्दे दीवार पे वो पीली रेखाएं बना रही हूं, वो ऐसा लगती थी जब वो पड़ती थी उनपे कद्दू की बेलें, जो कद्दू की बेल है जब उनकी फूले उन दीवारों पे पड़ती थी तो मानो ऐसा कि वो पीली रेखाएं बना रही हूं, ठीक, तो इतना समझ में आ ही गया होगा। देखिए हम अपने तरफ से पूरा 100% तो झोंक ही रहे हैं एकदम पढ़ाने की, अब आप लोग गैलरी करें तो उसमें हमारी क्या गलती है, तो आप लोग एकदम मेहनत से लग जाए, अभी हम एक पैरा और पढ़ाएंगे इसको, देखिए आगे वाला पैरा देखते हैं, पैराग्राफ थ्री, देखिए पैराग्राफ थ्री देखते हैं हम भाई है। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ पीपुल वॉज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पे माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपुल, मेरा रूटीन माने जो सिलसिला था ऑफ टॉकिंग बातचीत करने का विथ द पीपुल लोगों से, वॉज इंटरप्टेड बाधित हो गया, रुक गया मेरा, एक स्टेशन पर मेरा जो लोगों से बातचीत करने का सिलसिला था वह रुक गया, बाधित हो गया। एज सून एज जल्दी से शीघ्र ही आई एलाइटेड मैं उतरा, कहां से उतरा? छत पे से नहीं, अपने रेलगाड़ी के बोगी में से, रेलगाड़ी की जो बोगी था कंपार्टमेंट था वहां से जब प्लेटफार्म पे उतरा, नीचे उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, अ ग्रुप, ग्रुप माने समूह, आप यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों का, गैदर्ड माने इकट्ठा हो गया, घेर लिया, अराउंड मी मुझे चारों तरफ से, जैसे, अब देखिए भैया पहले मैं एकक को तोड़ रहा हूं उसके बाद जोड़ूंगा इनको कैसे अपनी भाषाओं में, जैसे ही मैं उतरा तो छोटे बच्चों का समूह मुझे चारों तरफ से घेर लिया, इनको कटघरे में सब बंद कर लिए, लगा कि इनको तोड़ेंगे अब सब, लेकिन तोड़ेंगे नहीं, बड़ा अच्छा सम्मान इनका करेंगे सब, अब वो चप्पल से नहीं, अब वो अपने बनाए हुए सामानों से इनका सम्मान करेंगे। अब देखिए दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे क्या कर रहे थे? दे वेयर सेलिंग, वे बेच रहे थे बास्केट्स माने टोकरियों को। अब टोकरियों का जरा विवरण कर दिया जाए, टोकरियां कैसी थी? तो टोकरियां थी हैंड वूवेन, हाथ से बनी हुई, रीड बास्केट्स पुराने जो कंजास होते हैं, कबाड़ होते हैं उससे बनी हुई, सरकंडे से बनी हुई, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, और वो टोकरियां बहुत आकर्षक नहीं थी, साधारण तौर तरीके वाली थी,
दे हेल्ड द बास्केट्स हाई। दे हेल्ड, ये दे किसके लिए प्रयोग हो रहा है? उन बच्चों के लिए। दे हेल्ड, वे उठाए हुए थे, रखे हुए थे द बास्केट्स हाई। बास्केट माने टोकरियों को, हाई माने ऊंचा। साउटिंग वर्ड्स, चौकर रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये जरा मजा न लें आप लोग, हम तो आप लोगों को मनोरंजन करने के लिए ऐसी ऐसी दुर्भाषाओं का प्रयोग करते हैं। साउटिंग वर्ड्स, चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। ये लेखक कह रहे हैं भैया विलियम सी डगलस जी। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। मैं नहीं जानता था, परंतु ये जो उनकी शब्द है जो चिल्ला के वे बेच रहे थे, ये शब्द ही उनकी इच्छाओं को क्या कर देते थे? व्यक्त कर देते थे, जाहिर कर देते थे, प्रकट कर देते थे, प्रस्तुत कर देते थे। अब शुद्ध साहित्य लेकर घुसेंगे भैया, इंग्लिश है पैसा। अब दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। दीज, ये थे, वेयर थे, ये थे, ये थे माने कौन थे? ये जो बच्चे थे, इनका अब एनालिसिस किया जा रहा है, इनका विश्लेषण किया जा रहा है। ये कौन थे, ये कहां से आए हुए थे? दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी माने होता है शरणार्थी। देखिए जो कठिन वर्ड मीनिंग लगे उसको अपने कापी पे या किताबवा पे लिख लिया करो। अब ये नहीं कि गोबर करने लगे उसकी किताबवा पे, ऐसा नहीं करना है। एक बार में लिखो रिफ्यूजी चिल्ड्रन। अब रिफ्यूजी माने होता है शरणार्थी। शरणार्थी कहते किसको है? शरण में आया हुआ अर्थी। इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि, शरणार्थी, शरण धन अर्थी, अकह समर्णी दीर्घ है, यहां पे होता है दीर्घ संधि। अब संस्कृत जब पढ़ेंगे तो दीर्घ संधि लगता है, लेकिन यहां पे क्या है कि जो एक देश को छोड़ के दूसरे देश में आता है रहने के लिए, उसको कहते हैं शरणार्थी। समझ रहे हैं ना? दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। वेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, बंटवारा किया गया, जब बंटवारे का निर्णय, डिक्रीड माने निर्णय लिया गया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का निर्णय लिया गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपुल, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, आप माने होता है गुड़ा, हंड्रेड माने सौ का, हजार से गुड़ा कर तो कितना आएगा, एक लाख। समझ में आया रे? तो लाख जो लोग थे, थाउजेंड ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड, जो लाखों लोग थे, लाखों लोग क्या किए, पुल्ड अप, खींचे चले आए, चले आए कहां से, देयर रूट्स, अपने जगह को छोड़ करके, एंड चेंज देयर रेजिडेंस, अपने जगह को छोड़ करके लाख लोग इंडिया चले आए। ठीक, ये थोड़ा रेव कर दिए तो उस पर आप लोग बुरा न माने, अपनी स्टाइल है, मूड है, मिजाज है, इसी हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। समझ रहे ना? टॉपिक पे आप लोग आए। देखिए आज हमारा मूड पूरी तरीके से बन चुका है पढ़ाने का एकदम। अब मैं बहुत बुरी तरीके से फाड़ूंगा ये चैप्टर, तो आप लोग एकदम चपे रहे और आप लोग मजा लीजिए मेरे पढ़ाने का। आप लोग तो ऐसे बहुत मजा किया है, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में आप लोगों का मजा। तो आप लोग आइए टॉपिक पे। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान। 9 मिलियन माने होता 90 लाख लोग, 90 लाख लोग लेफ्ट माने छोड़ दिए पाकिस्तान, पाकिस्तान को, एंड केम टू इंडिया, और इंडिया चले आए, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म। रिलीजियस फैंटासिज्म माने होता है धार्मिक उन्माद। जो धर्म थे वहां पे मुसलमान रहेंगे तो अपना धर्म मानेंगे, हिंदू वाले अपना धर्म मानेंगे। तो जो धर्म था, धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता के कारण लोग डर से इंडिया चले आए, 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़ के चले आए। ठीक, दे वेयर पुअर पीपुल, वे लोग गरीब थे टू स्टार्ट, जब उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए, तो वे गरीब तो थे ही, लेकिन जैसे ही उन्होंने यात्रा की प्रारंभ, दे वेयर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा तय प्रारंभ कर दी तो ये और गरीब होते गए। पहले तो गरीब वहां पे थे ही, मलिन तो थे ही, लेकिन जब इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया तो ये और गरीब मलिन होने लगे। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वे सभी, कैरी माने कुछ ही चीज ला पाए थे, वॉज अ बिट ऑफ फूड, वह भोजन थोड़ा सा ही ला पाए थे, और सामान
वे अपने के लिए अपने रहने के लिए थोड़ा सा ही सामान और भोजन ला पाए थे, इसीलिए ये और बौखलाए पागलाए समझ में आ रहे थे, ये और गरीब हो रहे थे। सुन जल्द ही दे वेयर आउट ऑफ फूड। अब भैया दो दिन का भोजन लाएंगे तो एक महीने तो चलेगा नहीं, तो दो दिन का ही वो लोग लिए थे, यहाँ महीने भर की यात्रा थी, तो दो दिन में तो समाप्त हो जाएगा मलबान है, तो समझ में आया। तो सुन ही जल्दी ही दे वेयर आउट ऑफ फूड, वे बिना भोजन के हो गए। आउट ऑफ फूड, बिना भोजन के हो गए। अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के पश्चात, आफ्टर द स्टार्ट, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की उसके कुछ ही दिन बाद, फ्यू डेज माने कुछ ही दिन बाद, दे बिगेन टू फॉल, वे गिरना प्रारंभ हो गए, उलटना प्रारंभ हो गए, गिरना शुरू हो गए। बाय द वे साइड, रास्ते में ही, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, किसके कारण, वीकनेस ऑफ हंगर, हंगर माने होता है भूख, वीकनेस माने कमी, भूख की कमी से, भूख की कमी से, कमजोरी से, वह रास्ते में ही गिर जाते थे यात्रा के समय, एंड डाइड, और मर जाते, वेयर दे फॉल दे फेल, वे जहां रास्ते में गिरे नहीं कि मरे, जहां उल्टे नहीं कि तुरंत सड़े, मतलब मरे, सड़े उड़े पे ना आए आप लोग। तो आज हम तीन ही पैराग्राफ घुस पाए हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, दो ही पैराग्राफ, इससे पहले एक पैराग्राफ इसे अब बता दिया गया है। तो जिसको वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए अंग्रेजी का जरूर लुत्फ उठाए, आनंद ले, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब न किया वो सब्सक्राइब कर ले, अगले वीडियो में आपको और बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। देखिए वीडियो दर वीडियो मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस और बढ़ रहा है, तो ठीक है, धन्यवाद।